नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए। अगर हम बात बिहार की कर रहे हैं तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों ही इसके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। नीतीश कुमार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार विधानमंडल में दो बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ स्वीकृत किया गया है, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? केंद्र सरकार इस फैसले पर पुनः विचार करे। बड़े ही लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव भी बोले हैं इस पर। नीतीश कुमार और लालू यादव ने क्या कुछ कहा है जातिगत जनगणना को लेकर, दोनों के बयानों को सुनिए। जी, तो आप जान ही रहे हैं, अभी संसदीय कार्य देख रहे हैं, लेकिन उस समय तो आप विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उनको तो सब मालूम है कैसे यूनानिमस हुआ, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं, उनको भी कहा गया है, तो मिलकर के ये कोशिश होगी कि नहीं सब लोग मिलकर के जाए और अपनी बात जो बिहार के अंदर सर्वसम्मति का प्रस्ताव है उसके बारे में अपनी बात रख देना चाहिए। और क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, इसलिए मिलने से मुझको नहीं लगता है किसी को एतराज होना चाहिए। लेकिन एक बात तो हो गई है, तो हम लोग तो इसके लिए एग्रीड हैं कि मिलना चाहिए, तो बातचीत कर ही लेंगे, इस मामले में आज ही बातचीत कर लेंगे और ये बात हो जाएगी। जो भी बात होगी सब बाद में आएगा सामने। समाज में तनाव होगा इससे? ना ना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हमने जितने लोगों से बातचीत हुई है सब सर्वसम्मति से है। अब जरा बताइए, 19 में जब पारित हो रहा है तो उस समय क्या था? आज अचानक इस बात को अगर कोई कह रहे हैं तो ये सही बात नहीं। मान लीजिए कि अभी केंद्र सरकार उनको लगता होगा कि नहीं कर रही है तो हम ऐसा ही बोलें, ये हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब विधानसभा विधान परिषद में ये बातचीत हुई है, उठा करके देख तो लीजिए, सर्वसम्मति का है, किसी को क्या दिक्कत होगी? लेकिन करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन विचार रखना, और कोई हम ही लोग रख रहे हैं, कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है। लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ये सभी के हित में। और जनगणना हो जाएगी, पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है, तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं कि इनको क्या दिक्कत है, इनको और दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हर प्रकार से एक एक चीज़ हो जाना चाहिए, ये बात से बड़ी खुशी की बात है, ये सबके हित में बात है। इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराज़गी होगी तो अपनी बात होगी, ये बात सार्वजनिक नहीं। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं भाई, हम किसी के बारे में कोई कमेंट भी हम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग एक मत किए हैं, हम तो उस बात के साथ। शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट का मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट, हर इशू पर, जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल रहा हो, काफ़ी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिल गए हैं, मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं, अभी इलाज चल रहा है, हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग हम लोग मिलने आए हैं इनका दर्शन करने। लालू जी, क्या जनता परिवार को एकजुट करने की फिर से कोशिश? वो सब अपना चल रहा है, लोगों का लोग बात कर रहे हैं। कल मिले थे? हाँ मिले थे, तो कर्से में मिले थे मुलायम सिंह, लोग बात कर रहे हैं लोग। तो आपने बिहार के दो बड़े नेताओं के बयानों को सुना है, एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में है, वहीं लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस फैसले पर सोचना होगा। नीतीश कुमार कह तो रहे हैं, क्या जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराए, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि मुलाकात तो की है विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ, प्रस्ताव भी दिया है, क्या होता है फैसला? फिलहाल निगाहें टिकी रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चिट्ठी भी लिखेंगे। कहीं ना कहीं RJD और JDU के सुर जो एक साथ मिल बैठे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, इस पर चर्चाएं हर तरफ शुरू हो चुकी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।